गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई न्यू यूजर आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में सफलता निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट कब आया इसका, 2009, इतना याद रखना, ठीक है। तो किस चीज़ पे, परिवार विद्यालय के सहयोग, सामान्य और शिक्षकों के बीच सहयोग, प्रशिक्षण कर्मियों, सभी पे डिपेंड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हम सभी को एक साथ शिक्षा देते हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो अधिगम अक्षम बच्चा हो, चाहे कुछ हो, ठीक है। नेक्स्ट, अहम चिंता से बचाव के लिए, अहम चिंता से बचाव के लिए डेस्क को अपनाया जाता है, तो किसको, रक्षा तंत्र, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये वही फ्राइड वाले हैं, ठीक है, याद रखना। सबसे अच्छा पता है कौन सा, प्रक्षेपण। जब खुद की कुछ गलती हो ना तो दूसरे पर डाल दो, इसे कहते हैं प्रक्षेपण, ठीक है। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा मन का प्रकार नहीं है, तो अचेतन, अवचेतन, चेतन ही होता है, सत मतक चेतन ये कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अचेतन मन कितना होता है, 9/10, चेतन मन कितना होता है, 1/10। सिगमंड फ्राइड की किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मानसिक विकास किस अवधि में पूरा हो जाता है, तो ये 18 वर्ष तक पूरा हो जाता है। कब हो जाता है, 18 वर्ष तक, तो 16 से 18 आएगा, कब आएगा, 16 से 18, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसी अवधि में ना 44% भार हो जाता है, किनका, मांसपेशियों का, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट, पूरे शरीर का 44% होता है मांसपेशियों का। इसमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है, एक कोने में बैठे रहना गलत, प्रतिबंधित नहीं, प्रायोगिक गतिविधियां, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इसी की बात कौन करता है, जॉन डीबी के, हाथ से करने दो। अच्छा, जॉन डीबी के ही विचारों पर आधारित था किसका, किलपैट्रिक का प्रयोजनवाद, ठीक है, याद रखना, किसके विचारों पर आधारित है, जॉन डीबी, ठीक है। अगर कोई पूछ लेना ये किलपैट्रिक भी प्रयोजनवाद की संकल्पना कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो भी जॉन डीबी, ठीक है, इतना याद रखना, और बस आंसर हो जाएगा आपका ए। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मतलब ये पूछ लेना आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, किस पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हम गणित कैसे समझाएंगे बच्चों को, तो समस्या समाधान विधि से समझाते हैं, कहाँ पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये मेरा गलत हुआ है आज, ठीक है, आप लोग मत करना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा 2010 में लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ था RTE, ठीक है, और 2009 में और क्या आया था, रमसा आया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसे याद रखना, ठीक है। और क्या आया बताओ, 1995 में क्या आया था, आपको कुछ याद आ रहा है, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1986 में शिक्षा नीति आई थी अपनी, दूसरी, सेकंड शिक्षा नीति आई थी, पहली कब आई थी, 1968 में। अब ये जो नई वाली कब आई है, NEP 2020, ठीक है, और इसको किसने लागू किया, सबसे पहले लागू किया है हिमाचल ने, ठीक है, इतना याद रख लेना। और ये जो RTE 2009 है ना, इसमें अध्याय कितने अध्याय हैं, इसमें 7, ठीक है, अनुच्छेद कितने, 38, और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा, 4, ये पूछा गया क्वेश्चन, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से किस विधि को विज्ञान पढ़ाने में सर्वोत्तम माना जाता है, तो विज्ञान के लिए हमेशा याद रखना प्रयोगशाला विधि सबसे सर्वोत्तम है। व्याख्यान विधि किसने दी थी बताओ, प्लेटो। अनुकरण विधि किसने दी थी, प्लेटो, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बच्चा किस अवस्था में तार्किक रूप से किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ये किससे रिलेटेड, पियाजे का क्वेश्चन है ये। पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, 3 बच्चे थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, 1936 में इनका प्रयोग ना थोड़ा फेमस हो गया, ठीक है, इतना याद रखना। टोटल इन्होंने 32 बुक लिखी हैं, ये भी याद रखना चाहो तो तार्किक रूप से शुरू कर देता है, मूड संक्रियात्मक, इस अवस्था में ना और क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और क्या याद रखना, ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यहाँ लड़कों
और लड़कियों के संबंध में कुछ कथन दिए गए, कौन सा सही है? तो लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, SEN के संदर्भ में कौन सा संदर्भित करता है? तो SEN होता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। सीधे याद करने वाली फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में किस आयु में लिंग की पहचान स्थापित हो जाती है? तो ये हो जाती है 4 वर्ष में, याद रखना। टाइम वगैरह देखना, ठीक है, ये सब कब हो जाती बताओ, टाइम वगैरह की, तो ये हो जाती 9 वर्ष में, ठीक है, याद रख लेना ये वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, 3 साल की आयु में एक बच्चा कितने सब सीखता है? तो 3 साल में सीखता है 1000, 2 साल में सीखता है 272, ये याद कर लेना, 4 साल में सीखता है 1600, ये याद कर लेना, 5 साल में 2100, ये डायरेक्ट पूछे गए सारे फैक्ट, कितने कितने शब्द सीख लेता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साधन प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है? कौन सा उचित नहीं है? प्रारंभिक मूल्यांकन पता कैसे कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने परसेंट होता है? 40%, मगर नए वाले रूल्स के तहत होने लग गया अभी 20%, ठीक है, याद रखना। तो देखो, ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन, क्विज कराते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट नहीं कराते, ये आंसर हो जाएगा सी, याद रखना। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सबमिटिव असेसमेंट होता है। सबमिटिव असेसमेंट ना साल के अंत में होता है, याद रखना। इसमें फीडबैक नहीं देते, इसमें फीडबैक देते हैं, इसमें रैंक वगैरह देते हैं बच्चों को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, किस विकास के कारण 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी माँ के प्रति अधिक और पिता के विपरीत व्यवहार करता है? किसे? माँ के प्रति। तो ये करेगा कौन सी बताओ? ईडीपस, एक ही बात है, लड़के में पाई जाती है ईडीपस, ठीक, किस में पाई जाती है? लड़के में। ये सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक सिद्धांत से दिया गया, ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल, ये 6-5 स्टेज हैं इसकी। अब ये फैलिक में ना एक आती है ओडिपस, एक आती है इलेक्ट्रा। ओडिपस में तो लड़का माता से प्रेम करता है, इलेक्ट्रा में लड़की पिता से प्रेम करती है, तो आंसर हो जाएगा डी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, याद रखना, सब पे कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, रचनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है? तो स्मरण करना, मतलब रट्टे लगा लेना, ये कोई रचनात्मकता का नहीं, ये सब है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ठीक है, याद रखना। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप होते हैं किसके? क्रिएटिविटी के, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का परिचय किसने दिया? तो मैंने आपको बताया था 1908 में ये दिया था बिने ने, ठीक है, याद रखना। और बिने ने जब 1905 में जब बनाया था ना अपना IQ टेस्ट, उसमें 30 क्वेश्चन रखे थे, और 1959 वाले में रखे थे, सॉरी 1908 में जब इन्होंने रिवाइज कर दिया था ना, उसमें रखे थे इन्होंने 59 क्वेश्चन, ये भी याद रखना। और 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने, ये भी याद रखना। थॉर्नडाइक की किताब का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, याद रख लेना। थॉर्नडाइक ने ना आपके मेन नियम दिए, मुख्य नियम कहते हैं ना, 3, कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, कब दिए? 1898 में। नेक्स्ट, रॉस के अनुसार विकास के किस चरणों को छदम परिपक्वता कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। रॉस ने ना जो फॉर्मल एजुकेशन है इसका विरोध किया था, और इसका विरोध और किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया था, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फ्रायड द्वारा प्रयुक्त मनोयोग के विकास का चरण नहीं है? तो देखो, ओरल एनल, देखो ये नहीं है, कौन सा इंग्लिश में समझ में आ रहा है, ओरल एनल लेटेंसी, ये तो है। इलेक्टिव आइकॉनिक सिम्बॉलिक, ये तो ब्रूनर के द्वारा दी गई, जिनकी किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने क्या स्पायरल कैरिकुलम की बात करी है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 मन दिए, ठीक है, ये भी याद रखना फ्राइड के। नेक्स्ट, लैंगिक स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी है SL Bain की, ये याद रखना। एक है जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, कौन सी है? जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये किसने दिए? ये कोहलबर्ग ने दिए, ये याद रख लेना, ठीक है। कोहलबर्ग ने और क्या दिया, मोरल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये किताब लिखी, और मोरल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने 6 स्टेज और Level 3 दिए, जिसको कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया, याद रखना। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, ये याद रखना, ठीक है। चीन प्याजे की 4 अवस्थाएं, इंडिजेंट, पूर्व संज्ञात्मक, मूर्त और अमूर्त। नेक्स्ट, अब देखो, AAMD और APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चों की IQ क्या होती है? तो ये किसकी कह रहा है? सीबियर की कह रहा है, ठीक है। देखो, ये होती है माइल्ड की, ये होती है मॉडरेट की, तीनों बता दे रहा हूँ, ये होती है सीबियर की, ये होती है प्रोफाउंड,
ऐसे याद कर लेना। अब अगर इनके नाम आप लोग हिंदी में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो फिर मैं बता दूंगा। अगर कोई इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो कोई बात, फिर तो काम चला लेते हैं दोनों लोग मिलकर, हम और आप। चीन प्याजे द्वारा प्रस्तुत अहम केंद्रित किस भौतिक अवस्था में होता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक में होता है, यहीं पे एनिमिज्म में होता है, ठीक है, यहीं पे ही इरिवर्सिबिलिटी होती है, याद रखना, ठीक। अहम केंद्रित कोई क्या कहा था? प्राइवेट स्पीच कहा था वाइगोत्स्की ने, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसकी अवस्था की एज क्या है? 2 से 7 वर्ष, याद रखना, ठीक है। और इसी में क्या करता है बताओ? इसी में करता है इंट्यूटिव रीजनिंग, इंट्यूटिव, हाँ छोड़ो ये वाला, छोड़ दो, इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ याद रखना, जो पहली अवस्था है ना, इसकी 6 उपअवस्थाएँ भी हैं, और ए नॉट बी वाला एक्सपेरिमेंट यही है, पूछा गया डायरेक्टली, ए नॉट बी वाला एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षा का स्तर है? तो देखो बोध है, कौन कौन से हैं? 3, स्मृति स्तर, बोध स्तर, और एक और है चिंतन स्तर। देखो स्मृति स्तर दिया है हर्बर्ट ने, जिन्होंने प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, 5 स्टेज बताई हैं। गणित पे बहुत जोर दिया है, एकेडमिक डिसिप्लिन पे दिया है। बोध है मॉरिसन का, ठीक है, याद रखना। खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति, ये 5 इनके। चिंतन दिया है हंट ने, इसके कभी पूछे नहीं जाते, इतना याद रख लेना बस। नेक्स्ट, हर्बर्टियन थ्योरी ऑफ एप, ये पता नहीं क्या लिखा है, एप्रिसेप्शन, पता नहीं, छोड़ो। तो अंतिम चरण पूछा है, मैंने बताया था ना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट, हकलाना संदर्भित करता है, क्या करता है? हकलाना करता है, बहुत तेज बोलना गलत, किसी शब्द को पहली ध्वनि को दोहराना, सही बात है, जो हकलाता है ना बंदा वो पहली ध्वनि को दोहराता है, और ये ना सही हो जाता है। एक चीज़ याद रखना, पहले मैं बचपन में अपने एक दोस्त से मिला था तो बहुत हकलाता था, अभी कुछ टाइम पहले मिला तो मतलब हो गई 3-4 साल, तब वो बिल्कुल भी नहीं हकला है। तो उसने कहा कि एक थेरेपी स्पीच होती है, उनका यूज करके ना इसे सही किया जा सकता है एकदम से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या स्कूल में खेलने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो खेल से क्या होता है? सहयोग और शारीरिक संतुलन होता है। देखो खेलोगे तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ टीम होगी, टीम होगी तो सब लोग स्ट्रेटजी बनाओगे, स्ट्रेटजी बनाओगे तो मिलके बनाओगे, सब लोग एक साथ होंगे एक टीम में, ठीक है, तो जीतना हारना ये सब कुछ सीखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण क्या सभी दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण देना। एक चीज़ याद रखना, अभी कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो वायरल हुआ था, किसका? चाइना का। वहाँ ना 5 साल के बच्चे को और 4 साल के बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है, किसके लिए? ओलंपिक लाने में गोल्ड लाने के लिए, तो सोच रहे हो। तो एक वेओन नाम का चैनल है, ठीक है, तो इस पर देखी थी मैंने वो वीडियो, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयोगी? तो व्याख्या तो देंगे नहीं, प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन या प्रयोगशाला, तो क्रिएटिविटी, तो ये क्या करेंगे? रचनात्मक गतिविधियाँ करेंगे इनके लिए, आंसर हो जाएगा सी, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनोप्रेरणा गतिविधि है? कौन सी है? मनोप्रेरणा साइकोमोटर, मोटर मतलब किससे होता है? हाथों वगैरह से होता है, हाथ पैर, मतलब आपके बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है मोटर। तो गेंद फेंकना, इसमें ना हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, इन तीनों में हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में संशोधन करना, ठीक। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे याद करना, मतलब लिखना कि गैने ने कितनी स्टेज दी हैं, और गैने की पहली और आखिरी स्टेज का नाम क्या है, ठीक है, ये बताना, ठीक है। और कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बुक किसकी है, ये भी बताना है आपको। तो इतना जो बताएगा उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बाकी अपने अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।